नमस्ते। आमर आलोचना चली थिला पंचसखा साहित्य एवं सेही क्रमरे बलराम दासंकर जगमोहन रामायण प्रसंगरे आमे आलोचना करूथिले। एई जगमोहन रामायण रे समाज जीवनर चित्र आलोचित होउथिला एवं सेही समाज जीवनर चित्र प्रसंगरे एक बलिष्ठ भूमिका रहुची स्वामी स्त्रीर संपर्क। तेबे बलराम दास तांकर जुगर आवेदन को आखि आगे रखी स्त्री को महिमा उपरे अधिक गुरुत्व देइछंती। जेपरी तांकर लक्ष्मी पुराण हेई पारे किंबा तांको पूर्वरु सारला दासंक रचना रे आमे देखुचे जे से लक्ष्मीनारायण वचनिका किंबा बिलंका रामायण किंबा चंडी पुराण ए तीनोटी ग्रंथ रे नारी जाति प्रति तांकर दृष्टिकोण सम्मान ओ महिमार कथा उल्लेख करिथिले। बलराम दास रामायण रे मध्य सेई परंपरा को रक्षा करी नारी पुरुषर दाम्पत्य जीवन प्रसंग रे अति सुंदर वर्णना करिछंती। बलराम दास स्त्री को संबंध रे परस्पर विरुद्ध बहु मंतव्य प्रकाश करिछंती। दिव्य पुरुष रावण को स्त्री को संबंध रे कहुजी संसार रे स्त्री को विश्वास जीवो नाही किंतु परे से स्त्री मानंकर जो प्रशंसा बा महिमा बखाणी छंती सेथिरु समाज रे ओ व्यक्तिगत जीवन रे स्त्री रो स्थान अति उच्च ओ अपरिहार्य थिबा देखाई छंती। स्त्री पुरुषर अर्धांगी स्त्री पुरुषर बड़पण स्त्री पुरुषर स्वभावर्धनकारी इत्यादि कविंकर वर्णन रे स्त्री की विश्वास केबे नजीव संसारे स्त्री सिना सुखदानी अटंती बेभारे स्त्री कुटुंब स्त्री जे अटई साधवी स्त्री जे पुरुषंकर अटई बांधवी स्त्री ही पुरुषर धर्म ओ कर्म। एवं सेही प्रसंग रे आगकु जाई पुणी से कहउछंती एही हेतु स्त्री को विधाता आग जन्म कला सुरा सुरगण स्त्री रो बस एवं सेमानंकर स्त्री सकासु गौरव प्रकटित हेछि ब्रह्मा विष्णु हर एहार प्रमाण। गायत्री की हृदय धरी अछि पितामह तेणु सिना पवित्र अटई तार देह विष्णु पुणी लक्ष्मी को जे कलरे बसाई लक्ष्मी नारायण जे बोलाई जगुसाई ईश्वरंक अर्धअंग अटई पार्वती अर्धनारी स्वर बोलाइला पशुपति इत्यादि ए वर्णना रहिछि उत्तराखंड रे। सेहिपरि स्त्री मोहरु देवता माने मध्य मुक्त नुहंती बहु ऊर्ध्वरेता विहळ होई कामातुर होइछंती। स्त्री नामक अमूल्य पदार्थ को ब्रह्मा समस्तंक ठारु सबु सार एकत्र करी गठन करिछंती। कविंकर वर्णना अनुसारे समस्तंक ठारु ब्रह्मा आनी सार मान स्त्री बोली पदार्थेक कलेक भियाण। स्त्रीर विभिन्न प्राधान्य अनुसारे से परिचित हेउची ब्रह्मा स्त्री को अति जत्नरे अमूल्य प्रतिमा करी सृष्टि करी तार गुण कार्य अनुसारे नामकरण कले। पुरुष को मदने महिमा को प्रमदा अति भाव थिबारु बामा जुबांकु महिबारु जुबती स्नेह हेतु बल्लभी कुटुंब ताठारु उत्पत्ति हेउथिबारु
कुटुंब अंग सभा जगु अंगना भाग्य देउथिबारु सौभागी ता जगु पुरुष राज्य धर्म करि पारुथिबारु धर्मपत्नी बल नथिबारु अबला नाम होईछि। ए सबु भितरे अधिकांश कविंकर कपोल कल्पित व्युत्पत्ति एही स्त्री अबोध हेले मध्य लोकाचार रे बड़ स्त्री जे अबोध जान अटई संसारे स्त्री हूँ जे बड़ नाही जान लोकाचारे। कवि स्त्री जातिर महिमा गान करिबा संगे संगे निंदा मध्य करिछंती। उत्तराकांड रे सीता निर्वासन परे लक्ष्मण स्त्री जाति को ताच्छल्य करी बहुवाक्य कहिबारु राम प्रबोध मानिले। चक्रवाक पक्षी निज स्त्री संगे रतिरंगरे माति थिबा बेले रामचंद्र सीतांक अन्वेषण रे भ्रमण करू करू सेठारे पहुंचिले। पक्षी दाम्पत्य सुख भोग करूथुबा बेले रामचंद्र ताकु सीतांक संवाद पचारिबारु तार सुख भग्न होइगला। एथिरे चक्रवाक क्रुध होइ रामचंद्रंकु भर्त्सना करी केतेक वाक्य कहिथिला ताहा उपदेश सदृश गृहीत होइछि। गृहस्थ जति एमानंकर चालीचलनी सम्बन्धरे केतेक तथ्य कवि चक्रवाक मुखरे प्रकाश करिछन्ति। जति होइ गृह ओ देश त्याग करी कंदमूल खाई बकल पिंधि सुधा रमण प्रति ध्यान देवा निंदनीय कथा। जति होइ धनुषर धरिबा निषेध पुनी रतिरस इच्छा करिबा किंबा मनुष्य पशुपक्षी जे कोनोसी गृहस्थर रति क्रीडा भंग करिबा महापाप। एहा पुराण मानंकर वाक्य। असत अधर्म कथा सुनिले धर्म हानि हुए नारीर उलग्न अवस्था देखिबा पाप। रजोवती नारी प्रति आसक्त हेले नरक गति। पशु जंतु मानंकर रमण दर्शन करिबा अविधि। ऋषि ओ ऋषि युवतींकर उलग्न अवस्था देखिबा पाप। उलग्न युवती को देखिबा मध्य पाप। प्राणीर दंड समय देखिबा निषेध। एही समय रे पापी को देखिले तार पापर सडांश रे दर्शक भागी हुए। दैव जगरे आखि आगरे एही दृश्य पड़ी गले पापी को तारिबा पाई चेष्टा करिबो नहेले पाप। चक्रवाकर ए सदुपदेश केतेक सामाजिक रीति नियमर चित्र प्रदान करिबारे समर्थ होइछि। सतीदाह प्रथार विवरण उत्तराकांडरे कौशल्यादि राणी माने ज्वलंत अग्निरे झास देबा ओ ए संपर्कीय विधि विधान प्रभृतिर वर्णनारु मिले। कविंक समयरे मध्य एही प्राचीन रीतिटि केतेक परिमाणरे प्रचलित थिला। स्वर्गर अप्सरा रंभांकु रावण बलात्कारे रमण करिबाकु उद्यत हेबारु रंभा भयरे रावणकु बहु मिनती कले। रावणर से पुत्रवधु थिबारु ताहाकु रमण करिबा अधर्म बोली कहिले। अप्सरा मानंकर सतीत्व नथिबा रावण व्यक्त करिथिले एवं निजे रंभा बहु लोकंकु विभिन्न समयरे पति रूपे बरण करिथिबा कथा कहिले। एही प्रसंगरे अप्सरा मानंकर रीतिनीति संपर्करे रंभा रावण संवादरे स्वर्ग समाजर एक चित्र कवि प्रदान करिछंती। रावण कहुछंती तुम्भे सुर नटी काहार नुह जे धन दिए ताहार पासरे रह। रंभा उत्तर देउछंती इंद्र देव आंभर अधिपति से जेते बेड़े जहाँ को प्रसन्न होई समर्पण करंती
ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ହୁଏ। ରମ୍ଭା ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧିବଶରୁ ଏହା ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ ଅପ୍ସରି ଆମ୍ଭେ ଜାତ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ, ନାରାୟଣ ଭାରିଜା ଅଟଇ ଆମ୍ଭ ବନ୍ଧୁ, ତାହାର କର୍ମେ ସେ ହେଲା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ସିରି, ଆମ୍ଭର ଦଶେ ଆମ୍ଭେ ହଇଲୁ ନଟ ନାରୀ, ଯାହା ସେ ବିଧାତା ପୂର୍ବୁ ଅଛଇ ନିର୍ମାଣୀ, ଉତ୍ତମ କୁଡ଼େ ଜନ୍ମି ହଇଲୁ ଏହା ପୁଣି। ନାରୀ ସମାଜର ଏକ ଅଂଶର ଏହି ଚିତ୍ର ବଡ଼ କରୁଣ ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ପ୍ରତି ଏହା ଏକ କଠୋର ଆଘାତ। ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ମଞ୍ଚପୁରର ରାଜାମାନେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଦାହରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ଓ ମର୍ତ୍ୟର ଜରତା ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହ କରି ନରକ ପଥକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି। କବି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଏ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ମୁଖରେ ଏହି କଦର୍ଯ୍ୟ ରୀତିର କଠୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କବି। ନଟି ଅପେକ୍ଷା ସତୀ ସ୍ୱାଧୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାବଣ ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ରାବଣ ରମ୍ଭାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମତଗର୍ବ ବହିଣ ଯେ ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁ, ସତୀ ନାରୀଙ୍କ କଥାମାନଙ୍କୁ ଆଚରୁ। ସତୀ ହେଉ ନଟି ହେଉ, ବଳାତ୍କାରରେ ରମଣ କଲେ ପୁରୁଷକୁ ପାପର ଭାଗି ହେବାକୁ ହୁଏ। ନଳକୁବେର ସ୍ତ୍ରୀ ରମ୍ଭାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାରରେ ରାବଣ ହରଣ କରିବାରୁ ନଳକୁବେର କୋପରେ ରାବଣକୁ ଶାପ ଦେଲେ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ଯିବୁ, ଜୀବନ ଧରି ତୁ ଆଉ କ୍ଷଣେ ନ ପାରିବୁ। ଏହି ଶାପ ହିଁ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ଯାହା ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ ରୂପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ରାମାୟଣରେ। ରାମ ବନବାସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଶଲ୍ୟା ସୀତାଙ୍କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସତୀ ସ୍ୱାଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ପଦରେ କବି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସାମାଜିକ ନୈତିକ ରୀତିନୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳୁଛି। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖରେ ସତୀ ସ୍ୱାଧି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡରେ। ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଗିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ଆହାର ପାଇବ ସେଥିରୁ ପରଦିନ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ, ତାହା ନ ପାଇଲା ଦିନରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ। ବିନୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, କେବେ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। କାୟା ଯେପରି ଭଲ ରହିବ ସେହିପରି କରିବ। ରାମ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ସୀତା ରାମଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଗୃହିଣୀ। ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ, ସୀତା ରାମଙ୍କ ଜୀବନ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ବନ୍ଧନ ଯେ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କର ନିବିଡ଼ ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଏକ, ଏହି ବିଷୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବକପକ୍ଷୀକୁ କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭଜନ କରିବା ବିଷୟରେ ବକର ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଓ ଗୃହିଣୀ ଏକ କାୟ, କେବଳ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ଏ ବନ୍ଧନ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେମାନେ ବଲ୍ଲଭ ଓ ଭାବିନୀ ରୂପରେ ରହନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏ ମହନୀୟ ଧାରଣା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ କଠୋର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖି ମୁଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। ଏହି ଆଦର୍ଶ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ସେହିପରି
ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କବି ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ ପିତା ପୁତ୍ର ମାତା ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସେବକ ରାଜା ପ୍ରଜା ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ବିଷୟରେ ରୀତିନୀତିର ବିବରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଦୃଢ଼ ଥିବା ହିଁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସଂଯମ ଅମାନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କବି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ହିଁ କୁଟୁମ୍ବର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। କୁଟୁମ୍ବ ବା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସମାଜର ମୂଳ ଆଧାର। ଶୀଳତା ଜ୍ଞାନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋକାଚାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେବେ ଜ୍ଞାନୀ ପକ୍ଷରେ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ଲୋକାଚାର ସମର୍ଥନୀୟ ନୁହେଁ। ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ଲୋକାଚାର ହିଁ ମିଥ୍ୟା ଲୋକାପବାଦର ମୂଳ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ବିଧେୟ। ଏହା ରାମଙ୍କର ସୀତା ତ୍ୟାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମାତ୍ୟାଦି ବହୁ ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରେ କବି ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ବୋଲକୁ ମୁହିଁ ସତ କଲି, ଦେଖିଲା କଥାକୁ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରତୀତି ନ ଗଲି। ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରତ କିଛି କୁଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଏବଂ ବହୁ ରାଣ ନିୟମ କଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପାପ ହୁଏ ସେ ସବୁ ଭରତଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଏହି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ଭରତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୈତିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ନୁହେଁ। ସୁସ୍ଥ ଉନ୍ନତ ସମାଜର ଏହା ଏକ ମାପକାଠି। ରାଜାପକ୍ଷରେ ପରରାଜ୍ୟର ବିତ୍ତ ହରଣ, ପ୍ରଜାପାଳନରେ ବିମୁଖତା, ଦେଉଳ ତଳାଇ ଖଞ୍ଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା, କ୍ଷତ୍ରୀ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ବିମୁଖତା, ବିପ୍ରର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ, ଶୂଦ୍ରର ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ, ବୈଶ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞତା, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋରସ ବିକ୍ରି, ବେଦାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନାଚାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାପ। ଗର୍ଭବାସ ସ୍ତ୍ରୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯୁବତୀ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିବା ପାପ। ପର୍ବଦିନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ପାପ। ଅପନ୍ତରା ଭୂମିରୁ ଗଛ କାଟିବା, ଗୋଦଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି କୃଷି କରିବା ପାପ। ସଭାରେ ମିଛ କହିବା ଓ ବନ୍ଧୁର ପକ୍ଷ ଧରିବା ପାପ। ମିଛ କଥା କହି ଚାଟୁ କରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ। ଶରଣ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପରାଙ୍ଗମୁଖତା, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିର ଅଭାବ ପ୍ରଭୃତି ପାପ। ପୁତ୍ରର ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ, ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ଅଭାବ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନତା ମଧ୍ୟ ପାପ। କୀର୍ତ୍ତି ଭଗ୍ନ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ କରିବା, ଦାନ ଧର୍ମ ନ କରିବା ପାପ। ମିଥ୍ୟା କହିବା, ସ୍ୱକୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପାଳନରେ ବିମୁଖତା, ନଦେଖି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅପଯଶ ଦେବା ପାପ। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଭକ୍ତିର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପାପ। ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ବିହାର ନିଜ ପ୍ରତି, ସ୍ୱକୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତି, ସ୍ୱଜନ ପ୍ରତି, ସମାଜ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରର ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ କବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
अभिज्ञता प्रसूत एही सर्वोदयकारी नीति गुड़िक सूचाई लोकचरित को शुद्धपूत करिबा पाई लक्ष्य रखिछंती। एही नैतिक आदर्श ही समाजर नैतिक बाह्य अलंकार ओ अंतरात्मा। रामायण रे राजनीति प्रसंग रे जेउ तथ्य बा तत्व उपस्थापन करा हेछि ताहा मध्य खूब गुरुत्वपूर्ण। दशरथ जनक रावण प्रभृति राजा मानंकर राजत्वर बहुचित्र बलराम देइछन्ति। आदर्श राजनीतिर रूप विश्वामित्र दशरथ संवाद रे स्पष्ट जहाँ आदिकाण्ड रे वर्णना करा जाइछि। राजा शासन रे प्रजा मानंकु पुत्र रूपे पाळिबे। देशरे संपूर्ण शस्य उत्पादन ओ समयानुसारे वृष्टिपात होउची एहार निदर्शन। राजार गड़ सैन्य सामंत डगर गुप्तचर युद्ध सामग्री संचयन प्रभृति शासनर अंग विशेष एगुडिकर सम्यक दृढ़ीकरण ओ रक्षण सुशासनर परिचय। गड़र कांथ उच्च दीर्घ अगम्य हेब। गड़ द्वारर कबाट लुहारे निर्मित हेब एवं एथिरे अनर्गल त्रिशूली बाट रहिब। प्रत्येक कबाटरे दुई दुई किलणी रहिब। गड़ पाचेरी भितरे सैन्य भांगिले पलाई जीवाकु चोरी द्वार रहिब। द्वार आगरे दारुबल पत्थर रहिबो। किरणी पाखरे भितरे अचल पत्थर रहिबो। गड़ द्वार को रक्षा करिबा पाई आगरे युद्धभूमि रहिबो। बसी युद्ध करिबा को उच्च स्थान रहिबो। गड़र चारिपटे ओ भितरे खाई ओ खणा रहिबो। रात्ररे गड़ द्वार रे ठणा दिया हेबो। गड़ भितरे पानी खाद्य द्रव्य फलमूल तेल जौ झुणा प्रभृति संचित हो रहिबो। गड़र जयसंधि गुप्त रखिबो। पर सैन्य को गड़ भितरे रखिबो नहीं। डगर मानंकु गुप्त प्रघट कथा पचारी बुझिबो। गड़ रक्षा पाई देवता पूजिबो। गड़ भितरे हाट बसिबो। कांड कुंत खंडा भल्ल दंड प्रभृति बहुविध अस्त्रशस्त्र संचि रखिबो। समर्थ पदाति रथ गज अश्व सैन्य महंत प्रभृति चतुरंग बल ओ सहकारी रखिबो। युद्ध विद्या खंडा साधन प्रभृति शिक्षा देव। शत्रु आक्रमण कले रातिरे युद्ध करी हानिबो। शत्रु को परसीमा पर्यंत गोडाई जीव। स्वपक्षरे युद्ध करिथिबा जयी राजा मानंकु प्रसाद देव। युद्ध रे अनीति कार्य करिबो नहीं जथा पळाइला शत्रु को पिठी पड़ी मारिबो नहीं। विजयी राजा विजित उपरे धाड़ी उपरे विषम धाड़ी देव। शत्रुर समस्त संपद छड़ाई घेनिबो। शत्रुर राज्य आनी निज निजे शांति रे रहिबो नहीं। ताहेले शत्रुर मनरे भयजात हेबो नहीं। निजे राजा आखड़ा सालरे पशी साधना करिबा इत्यादि। विश्वामित्र दशरथंकु प्रश्न करी एही सबु तथ्य जानिबाकु चाहिथिले। राजा दशरथ सुशासनर आभास देबाकु देबारु तांकर ए सबु व्यवस्था अयोध्यारे थिबा सूचित हेउछि। एहा जे कोनोसी देशर राजा पक्षरे प्रजुज्य एथिरे संदेहर अवकाश नाही। ओडिसारे कविंक समयरे असंख्य दुर्ग विद्यमान थिला। कवि अभिज्ञतारु एहार चित्रण करिथिबा असंभव नुहे।
सूर्यवंश राजत्व रे गंगा ठारू कृष्णा नदी पर्यंत एही विशाल भूमिखंड उत्कल साम्राज्य भितरे थिला। एही राजत्व रे असंख्य युद्ध विभिन्न स्थान रे होइथिला। विभीषण को विदाय देवा समय रे रामचंद्र राजनीति संबंध रे जो उपदेश देइथिले ताहा मध्य वास्तव। विष्णु शिव देवी सूर्य प्रभृति देवता मानंकु दिन अनुसारे पूजा करिब। सप्तमी दिन अन्न ग्रहण करिब नाही। ग्रहण दिन रे मैथुन करिब नाही। संक्रांति रे रात्रि भोजन निषेध। गुरुवार रे दधि अन्न रे ग्रह शांति करिब। सोमवार दधि शंख दान देव। प्रतिदिन ब्राह्मण मानंकु भूरी भोजन रे संतुष्ट करिब। पुण्य काल मानंकरे दान करिब। राजा नवरत्न मुदी आंगुठी रे पिंधिबे। राजा अमात्य मानंकर मनघेनी व्यवहार करिबे। प्रजापालन करिबे। नग्र रे केही म्लेच्छ न हेबे। सुचिमंत होई समस्ते रहिबे। जे जहार जाति रे थाई निज कर्म करिबे। राजा नित्य हस्ती घोड़ा देखी परीक्षा करिबे। वैद्य माने रोग को चिन्ह चिकित्सा करिबे। क्षत्री माने क्षणे हेले संधान अर्थात सरसंधान को छाड़िबे नाही। चारो मानंकु पेशी परदेशर बारता बुझिबे। बणिजार लोकंक ठारे दया करिथिबो। विश्वासी जनमानंकु माया न करिबो। होम व्रत प्रभृति करिबो। देवता ब्राह्मण ठारे भक्ति करिथिबो इत्यादि। रामंकर एही उपदेश अलौकिक बा अवास्तव नुहे। कविंकर समय रे एभली राजनीति प्रचलित थिबा अनुमान करा जाई पारे। भारत ओ उत्कलर इतिहास रे एही परि आदर्श नरपति ओ आदर्श शासनर बहु उदाहरण रहिछि। सबु देवता आराधना वर्णानुसारे वृत्ति संपादन देवता ब्राह्मणंक ठारे भक्ति दान दक्षिणा यज्ञ होम प्रभृतिर व्यवस्था सूचित होइथिबारु कवि सर्व संप्रदाय समन्वय पारंपरिक वर्णाश्रम धर्मर पक्षपाती थिबा ही सूचित हेउछि एवं ताहा से प्रचार करी सफल काम होइछंती। कविंकर रामायण ओडिशा रे प्राय 400 वर्ष हेला राजा जमीदार प्रजा समस्तंकु शिक्षा देई आसीछि। धर्म ग्रंथ शिक्षा ग्रंथ पवित्र विष्णुचरित ग्रंथ हिसाबरे दांडी रामायण बा जगमोहन रामायण गृहीत होइथिबारु ताहार एही प्रभाव स्वाभाविक। प्रत्यक्ष रामराज्यर विवरण मध्य बहु स्थानरे रामायणरे अछि। सत् धर्म सत् ज्ञान ओ विवेक उपरे प्रतिष्ठित एही राज्यनीति सुख शांति समृद्धिर कारण हेबो एथिरे संदेह नाही। सेहिपरि रामराज्य प्रसंगरे जेउं तथ्य वाल्मीकिंक रामायणरे ओ जगमोहन रामायणरे उल्लेख रहिछि से प्रसंगरे मध्य दृष्टि दिया जाई पारिबो। हिंदुमानंकर परंपरागत धारणा जे रामराज्य ही आदर्श राज्य ए राजत्व रूपरेख वाल्मीकि रामायण रे मिलुथिले मध्य जावतीय उत्कृष्ट सत् आचार व्यवहार क्रियाकलापर व्यापक प्रयोग ही ए राज्यनीतिर मेरुदंड। एथिरे देवता माने सहायक हुवंती। उपयुक्त समय रे उपयुक्त परिमाण रे वृष्टि हुए। पृथ्वी शस्यशाळिनी हुए। प्रकृतिर षड ऋतु यथारीति पालित हुए। लोके सुखी निरामय हुवंती। समस्ते मंगल देखंती। केही दुखी नुहंती।
धन जन गोपलक्ष्मी वृद्धि हुए, लोके सुस्थ जीवन पालन करी दीर्घजीवी हुवंती। एहिपरि बहुसत लक्षण देखा जाए। कवि बलराम दास रामराज्यर सुंदर परिचय तांकर जगमोहन रामायण रे उपस्थापन करिसंती। सुशासक पुरुष सिंह भूपृष्ठरे जन्म ग्रहण करिबा मात्रे तांकर प्रभाव राज्यरे मूर्तिमंत होइ उठिथिला। अयोध्या देश ग्राम सफल हेला, निर्धने धनवंत हेले, अपुत्रे पुत्र पाइले, समस्ते आरोगी अक्ष भी हेले, बेड़ काल जानी मूर्खे पंडित हेले, अदात्यव लोक माने महादानी हेले, नारी माने सौभाग्यिनी ओ पुरुष माने सुशील हेले, जे जहा ऋतुरे फल माने फळिले, षड ऋतु जानी इंद्र पाळिले, प्रजा माने मनासिबा क्षणी इंद्र वृष्टि करूथिले, नदी सरोवर रे दुष्ट जंतु रहिले नहीं, गाई माने बहुत क्षीर देउथिले। आदिकांडरे कवि ए जेउ चित्रटी देइछंती ताहा आदर्श हेले मध्य रक्षणशील नैष्ठिक हिंदू एहा त्रेता जुगरे वास्तव थिला बोली ही विश्वास करे। रामंकर आदर्श राज्य शासनर सुफल देशवासी भोग करिछंती। राजा सत्यरे आतजात हेउथिबारु सकल प्रजा धने गरिष्ठ होइथिले। अयोध्या राज्य सीमारे रोग पशु नथिला, रामंक सीमारे मृत्यु मध्य पशु नथिला। सेठारे पापी केही नथिले, पुरुष माने कामदेव, स्त्री माने रति, दुहिता माने गौरी प्राय शोभा पाउथिले। लक्ष्मी चारिपादरे रहिथिले, सत्य त्याग करु नथिले। अयोध्या नग्र किरणरे शोभा पाउथिला, समस्तंक गृहरे जय शंख ध्वनि शुभुथिला। बधू माने नीति गुरुजन कथा मानी आड़ती तुलांती, लोके पूर्ण ग्रास पाउथिले एवं सेमानंकर अचलाचल लक्ष्मी थिला। कवि लंकाकांडरे एई वर्णना प्रदान करिछंती। आज ये कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखी पारे। नमस्ते, धन्यवाद।